ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं हरयो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वपाकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सततमय तं सोमा ज्योतिर्तमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आइए हम थोड़ा सा अनुलोम लोम करके ये जांचें कौन सी नासिका चल रही है और क्यों चल रही है। पहले दाई नासिका बंद करें। कौन सी नासिका चल रही है और क्यों चल रही है हमने ये देखना है। अगर खाली नासिका में अवरोध है पहले देखना चाहिए हमें क्या नासिका में अवरोध तो नहीं है। नोस्ट्रिल्स के अंदर कुछ मल जम जाता है, अगर ये कारण है तो नासिका को साफ किया जा सकता है। एक कारण नोस्ट्रिल के कारण, दूसरा कारण गले के कारण। अगर गले में कोई अवरोध है तो भी उसको गले के कारण भी अगर गले पे कुछ जमा होगा तीसरा कारण कानों के कारण। हमारे कानों का और गले का और नाक का रास्ता अगर नहीं खुला तो भी हमें एक नासिका चल सकती है। तो श्वास भर के कानों की तरफ से निकालें, वो एक्टिवेट नहीं है ताकि हमारी दोनों नासिकाओं को खोल सके। ब्रेन सुप्त अवस्था में है तो उसको भ्रामरी के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। Mm-hmm.
पांचवा कारण, अगर हमारे लंग्स प्रॉपर कंडीशंस में काम नहीं कर रहे तो भी हमें श्वासों में दिक्कत आती है, तो हम एक प्रकार से नासिका से श्वास लेकर के मुंह से निकालेंगे, इसमें सारे गले के कानों के सब, और यदि इसको हंसी में परिवर्तित कर दिया जाए थोड़ी मधुर आवाज या साइलेंट, और नासिका के अवरोध नाक में जो रुकावटें हैं कान के कारण, गले के कारण, फेफड़ों के कारण, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट के कारण है, तो वो हंसी से और हम खुल करके हंसेंगे, इसी हंसी को स्टार्टिंग पॉइंट, और अब अंत में फिर अनुलोम विलोम करके देखें, अगर इस समय भी एक नासिका चल रही है तो उसका कारण है हीट एनर्जी, एनर्जी लेवल आपका अगर अप है तो वायु नासिका चलेगी यानी चंद्र नासिका, अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन है तो सूर्य नासिका चलनी चाहिए, एनर्जी लेवल अप और डाउन। एनर्जी लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए आइए हम श्वास को थोड़ा लंबा करते हैं और थोड़ी सी मतलब इसकी गति भी थोड़ी ठीक रखेंगे, ज्यादा स्लो भी नहीं। घर्षण के कारण, श्वासों की रगड़ के कारण जब श्वास गले से होता हुआ फेफड़ों में जाएगा और श्वास की गति अभी हम हाथ नहीं उठाएंगे, उल्टा घुटनों को कस के पकड़ेंगे, छाती के अंदर गर्मी पैदा करेंगे, मध्यम गति, ना स्लो ना फास्ट, ऊर्जा लेवल सामान्य करने के लिए जितना हमें जरूरत है। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, भारी इस समय भारी वातावरण का टेम्परेचर 10-11 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी का, तो हमारी इस समय ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर वातावरण को जा रही है, लेकिन हमारे सेंसर, हमारे नासिका द्वार, सूर्य नासिका, वो फिर भी ठंडे वातावरण में से गर्मी ले लेती है, जैसे एयर कंडीशन
एसी का टेम्परेचर रूम का 18 हो बाहर 40 हो, तो 18 वाला कमरे वाला टेम्परेचर एसी और डाउन करता है। इसी प्रकार से हम हमारा सेंसर सूर्य नासिका वातावरण से गर्मी लेकर के हमारे शरीर में डालता है और हमारे बाहरी आवरण तक टेम्परेचर बढ़ने का प्रयास करता है। इसको और सुचारू रूप से करने के लिए धीमी गति का हाथों को पूरा ऊपर झटका दीजिए। फिजिकल गर्मी कंधों को थोड़ा ऊपर उठाइए। ओम रतन विश्राम लंबे गहरे सांस, कभी कभी नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ दिया। गले और नाक के रास्ते में जो रुकावट है वो ज्यादा रहती है। कभी कभी मुंह से सांस लो, नाक से छोड़ो। अधिकतर नासिका से लेके नाक से लेके मुख से छोड़े। एक बार थोड़ा सा इस हंसी को गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है, कोई अंदर जमे हुए होंगे गले के साइड में, लंग्स में, श्वास नली में। और इसके बाद आप नासिका को चेक करें। नासिका गीली होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर नासिका ड्राई होती है तो ब्रेन पे ड्राइनेस जाती है। नासिका गीली रहनी चाहिए। और आइए थोड़ा सा पैर खोलते हमारे लिम्स को, पैरों को आपस में खूब टकराते हैं, दोनों हाथ हिप्स के बराबर में, ज्यादा पीछे भी नहीं, और सीधे बैठ करके कम से कम 50 बार दोनों पैरों को आपस में टकराइए। अंगूठे से लेकर एड़ी तक जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक्यूप्रेशर हो रहा है। और फिर दोनों पैरों में डांस कराइए बाहर अंदर कम से कम 50 बार। फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली, किसी प्रकार का बल नहीं लगाना जाता। जितने साइड में पैर जाते हैं उतने जाए, जितने अंदर जोर आते हैं उतने ही आए।
और फिर आप नमस्ते करिए पांव से, दोनों घुटनों को आपस में मिलाने का प्रयास करें और घुटने डालो। जैसे ही पांव मिले श्वास भरा पहले, फिर दोनों पांव अंदर की तरफ घुटने डालो, सांस छोड़ दो और मंद मंद लो, रोक के रखो, रोक के रखो कम से कम 10 बार, 8-10 बार तो हो ही जाए, अरे 5-7 बार तो हो ही जाए, इससे कम नहीं। दोनों पैर आपस में मिलाए, हाथों की भी मुट्ठी बंद करें और पांव की भी, श्वास को भर के हाथों की भी मुट्ठी कस के बंद करिए, पांव की भी, हाथ सीधे पैर सीधे, कस के सूक्ष्म क्रियाएं कम से कम 5 बार। और फिर हाथ बराबर में रखते हुए श्वास भरा, पैरों के आगे लेके रुका रुका खींचने दो, घुटनों के नीचे देखो कैसे नसें खींच रही है, खींचने दो, श्वास को छोड़ दो और खींचो, एक श्वास और ले लो, खींचो, अगर नस में नस चढ़ गया तो वापस, और अब अपने और खींचो, श्वास भर के खींचो, अगर हो सके तो हाथ आगे की तरफ पिंडली से के पास ले जाओ, खींचो, और अगर आप अंगूठे पकड़ सको तो इनको पकड़ के खींचो, खींचो अंगूठों को पकड़ के खींचो, नहीं अंगूठे हाथ में आते तो परना लेके फिर खींचो, एक एक पैर खींचो, घुटनों के लिए, घुटनों के लिए खींचो, फिर दूसरा पैर। घर में दिन में किसी भी समय ये एक्सरसाइज, ये केवल मात्र बताने के लिए नहीं है, करने के लिए है, दिन में करो, खींचो खींचो, और फिर दोनों पैर आगे, हाथों को अपने टांगों पर रख लो, बेशक खिंचाव को महसूस करो, करो महसूस, या फिर अपने बराबर में रख के पूरा खींचो, खींचो अपनी ओर, अंगूठा पकड़ो, श्वास को बाहर, छोटा श्वास लेके बाहर, पेट अंदर, खींचो पेट को, और फिर रोटेशन कस के श्वास भर के जाए, पूरा कस के पैर को घुमाए कम से कम 5 बार, फिर रिवर्स, सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं। अब एक पैर थोड़ा और पंजा रखते हुए इस पे दबाव डाला और आगे ले, पंजे के साथ बाद में एडी अपने आप लग जाएगी, शुरू शुरू में आप पंजे के साथ लेके जाएं, एक एक पैर से, कभी लेफ्ट कभी राइट, एक एक पैर से, थोड़ा और सीधे बैठो, टांग और मोड़ो, जितने टांग नजदीक आए एडी हिप्स की तरफ,
दोनों टांगे इकट्ठी, पहले पंजे को दबा के चले, इसे थोड़ी दूर चले पंजा, और दबा के मारो खींच के, घुटनों की बैक साइड जमीन पे दबा के लगे, और फिर इसके बाद घुटनों को ऊपर नीचे और मुंह को ऊपर करके एडी के आगे पीछे लेकिन घुटने ऊपर उठे, जमीन पे दबाओ कस के अच्छी तरह और इसके बाद बटरफ्लाई 10 पॉइंट है ये, 3-3 राउंड, 3-3, 6-3, 9 बार ये 10 बार, कम से कम 20-30 बार, कम से कम 50 बार भी हो सकता है। दोनों घुटनों को जमीन पे लगाने का प्रयास करो, अगर जमीन पे लगे तो बहुत अच्छी बात है। हिलाओ, विश्राम, और थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे नासिका चेक करने के लिए कि अब टांगों के सूक्ष्म क्रिया करने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ा। आज हम आपको श्वासों का एहसास कराएंगे, किस क्रिया के बाद कितना प्रभाव पड़ता है। नासिका की स्थिति को जांच लें, इससे आगे और बारीक होने वाली है। अभी अगर भारीपन में है थोड़ा और खुलने वाली है। दोनों हाथ सामने, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द उसको ठीक करने के लिए कलाई के पास से मोड़ते हुए आजा, मुझे अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, शरीर में ताकत, समझ, समाज सेवा, परिवार के लिए जिम्मेदारियों का एहसास, आजा आजा, खुशी आजा, प्रेम आजा, प्यार आजा, धन दौलत भी आजा, आजा आजा, और ये जा, बीमारी, क्लेश, गंदगी, गंदे विचार, जा, ओम माय गॉड, भगाओ सब रोगों को बाहर की ओर, बॉर्डर से बाहर। अब अगर सुख आ गया, धन दौलत आ गई, बीमारी चल गई, तो खुशी में मुट्ठी पर एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर कस के लड्डू बनाते हैं जैसे, बिल्कुल कस के, कस के लो, मुट्ठी बंद करो, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार, और फिर इसके बाद जैसे पूरी बेलते हैं, बाजू बिल्कुल सीधी, कभी उल्टा कभी सीधा, और बाप रे कंधों में दर्द होने लगे तो थोड़ी सी मसाज कर लो, कंधों में अगर दर्द होता है मसाज करके फिर कर, पूरी पूरी बेल लो, मुट्ठियों को घुमाइए, बाजू सीधी रखेंगे,
में सीधा कर लेता है। ओह फिर मसाज कर लो, थोड़ा ऐसे ही ला लो, थोड़ा ऐसे ही करो, और फिर पूरी बेल लो, बेल पूरी है पूरी। और इसके बाद डोड़ों को कैसे बनाएंगे, दारा सिंह की तरह अपने कंधों पर मुट्ठी बंद करके जोर से बांधो, और फिर साइड पे देखो श्वास जवाब देते हैं या शरीर की ताकत जवाब देती है या कोई अंग जवाब देता है। किसी अंग में दर्द रहा, कोने में रहा है, बाजू में, कंधे में, तो वही अंग कमजोर है। ओम जिस अंग में पीड़ा है वही अंग कमजोर है, उसी की एक्सरसाइज करनी चाहिए ज्यादा, और वो भी शाम को। सवेरे क्लास में अभ्यास, शाम को जिसमें अंग में कमजोरी है उसको मजबूती करने के लिए दिन में चलो घुमाओ कमर हो जाओ कंपन बोले आज अपने तरफ से क्लास चल रही है तो शांति का दान दे। वैसे हम शुरू करते हैं धीरे धीरे, डमरू डम डम बोले बोले। कभी कभी हम भी कई दिन तक अभ्यास नहीं करते, हमारे भी कंधे दर्द करना शुरू कर देते हैं, इसलिए तो आइए ऐसे कलाई को कर देंगे, एक बाजू को दूसरी बाजू के खींचे, शरीर सीधा खींचे खींचे खींचे, और फिर दोनों हाथ कंधों पर रखे पौने दबाएंगे, श्वास भरेंगे ऊपर जाएंगे, और जब पीछे आई खाली श्वास भरा श्वास खाली इन आउट इन आउट इन आउट। मसल्स कितने मजबूत हैं, मसल्स कितने लचकदार हैं, जिम में जाते हैं मसल हार्ड हो जाते हैं, योग में मसल्स कभी हार्ड नहीं होते, मजबूत होते हैं, मजबूत। रिवर्स करें रिवर्स, कभी उल्टा कभी सीधा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, पीड़ा नहीं, पीड़ा को सहन नहीं करना, स्नेह पूर्वक प्यार से, मेरा ही अंग है, टीचर कुछ भी कहे मैंने अपने अंग को तोड़ना नहीं है, जोड़ना। थोड़ी फिर मसाज कर लो, पूरी बाजू की मसाज कर लो। कई बार हमारी नस नाड़ियां, हमारे ऑर्गन्स, हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी सख्त हो जाते हैं, और फिर आइए एंटी प्रेशर, एंटी प्रेशर दबा के कसके कसके लो, हाथों में दबाव आगे गर्दन का पीछे, गर्दन सीधी रहे, एंटी प्रेशर, आगे माथा कर दबाओ, और फिर दाएं साइड में कंपटी के ऊपर दबाओ,
बाएं साइड में, थोड़ा हाथ को आपसे मसल लो, गर्दन को घुमाएंगे, नीचे लेके दाई ओर से श्वास भरते हुए बाई ओर से खाली करेंगे। होठों पर मुस्कान रहे, मन में ओम का ध्यान रहे या क्रिया में ध्यान रहे, अभ्यास कौन सा अभ्यास कर रहे हो, ध्यान कहां है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, तीन बातें, अभ्यास, ध्यान और प्रभाव, जानिए रिवर्स रिवर्स। इससे गर्दन का भी लाभ मिलेगा, विश्राम। एक बार थोड़ा सा दो तीन बार अनुलोम विलोम करके देखिए नासिका में कितना फर्क पड़ा। आइए श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे और आंखें जमीन पे गड़ी हुई, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। अब श्वास भरते हुए ऊपर जाइए और गर्दन को कंधों में गिरा दीजिए, छत को देखिए, आसमान को देखिए, आंखें खुली, श्वास बंद बंद चलता रहेगा, पूरा गर्दन पूरी पीछे कंधों पर, आंखें फटी हुई, एक जगह ध्यान लगाइए, खुली आंखें और आंखों को बंद कीजिए और सेंटर में लाकर के 10 बार खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। फिर श्वास को छोड़े, थोड़े कंठ के ऊपर नजर एक जगह टिकी हुई, मन में 10 की गिनती, आंखें खुली, श्वास भरा, आंखें बंद करके एक बार कर दो, पीछे गिरा दो और फिर खोल लो, आंखें खुली हुई, गर्दन पूरी तरह से कंधों के ऊपर दबाव डालती हुई, आंखों में नमकीन सा पानी आएगा, आने दो आने दो और बंद करें आंखें और गर्दन को सेंटर में लाके बंद करें, खोले, नजर सामने, बंद करें खोले, बंद करें खोले। श्वास छोड़ते हुए अब गर्दन को कान को दबाइए कंधे के और गर्दन के बीच में कान दबाइए दाई ओर, नजर एक जगह टिकी हुई, आंखें खुली, और धीरे धीरे वापिस फिर श्वास को छोड़ के गर्दन दबाई और आंखें एक ही जगह, कोई एक बिंदु डिसाइड कर लो आप, कंधे को नीचे करिए, कंधा ऊपर नहीं उठाना, कंधे को डाउन जाने दो, गर्दन उस कान को दबाएगी कंधे के ऊपर और धीरे धीरे वापस हल्का श्वास लिया, छोड़ दिया और फिर दाई ओर। धीरे धीरे वापिस बाई ओर श्वास हल्का लेके छोड़ दिया, दबाओ जरा अच्छी तरह से, दबाओ दबाओ वापिस, आंखें बंद करो, खोलो 10 बार, श्वास को भरा हल्का सा छोड़ दिया और गर्दन को दाई ओर घुमाया, थोड़ी को कंधे से टच किया, पीछे देखा, नजर एक जगह टिक गई,
पीछे देखा आंखें फटी हुई, सेंटर में लाए, फिर सांस ले गए थोड़ा बाई ओर, आंखें खुली की खुली, धीरे धीरे सेंटर में लाके आंखें बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, और एक बार फिर गाई ओर बहुत धीरे धीरे, और पीछे रोका थोड़ी, कंधे को ऊपर चढ़ा दो, जा रहे हो पीछे, आंखें फटी हुई खुली हुई, धीरे धीरे वापस आंखें खुली, बाई ओर सांस को भर के हल्का छोड़ दिया, फिर बाई ओर पूरा कंधे के ऊपर गर्दन को चढ़ा दिया, थोड़ी कंधे के ऊपर, और धीरे धीरे वापस आंखें बीच में बंद करें खुले, बंद करें खुले, और एक बार फिर घुमाएंगे गोल गोल, तीनों क्रियाओं को मिलाते हुए कम से कम दो तीन बार, एक कम से दो तीन बार दूसरे दूसरे श्वास भरते हैं, जब दाई ओर से गर्दन ऊपर उठाते हैं, बाई ओर से छोड़ देते हैं, रिवर्स में बाई ओर से भरते हैं, गर्दन रगड़ खाती हुई जाए कंधों पर, साइड में कंधों पर, पीछे हमारे, तीन से पांच बार ये रोटेशन, कभी उधर से और कभी रिवर्स। कंधों के लिए, गर्दन के लिए हमने ये क्रियाएं की, सर्वाइकल जिसको रहता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये क्रियाएं। अब आइए दोनों पैर खोलेंगे और एक बार चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक करके घुटनों के पास, अर्थात घुटनों से पेट की तरफ। अब श्वास को छोड़ेंगे, आगे जाएंगे, हल्का सा श्वास आते हुए भरेंगे, हल्का सा श्वास नासिका से भरा जाता है जब आगे जाते हैं तो खाली, और बाजू बिल्कुल सीधी रहती है, बाजू नहीं मुड़ेगी, केवल कमर घूम रही है, चक्की थोड़े पैर खोल भी सकते हो आप, चक्की का गोलदारा और बढ़ा जाएगा, जितने पैर खोलोगे गोल तुमके ऊपर से लाओ, चक्की दोनों पैरों के बीच में है, पीछे जाए श्वास भर के, आगे जाए छोड़ के, झटका नहीं स्मूथ, इसी को रिवर्स। मुंह से भी श्वास छोड़ सकते हैं, भरेंगे नासिका से, थोड़ा गहरे लंबे श्वास लेके देखो, अपने टांगे आगे से पकड़ लो घुटनों के पास से, थोड़ा श्वासों को गति से लेके देखो, इसी स्थिति में श्वासों को थोड़ा गति से, और एक लंबा सांस लेके फिर चक्की चलाओ, पीछे जाना जरूरी है,
पाँव चाहे मिले हो पीछे जाना जरूरी है, पीछे झुको तभी हाथ सीधे होंगे। कर लो कमाई घुड़ी पीस लो रिवर्स। आगे जाए हाथ पांव से आगे, पीछे भी जाए घुटनों से पीछे हाथ, हाथ घुटनों से पीछे। आगे जाए तो पैरों से आगे, फिर रिवर्स, कभी उल्टा कभी सीधा। गर्मी आने दो आने दो आने दो गर्मी, कभी उल्टा वेशा। पैर खोलो, जितने ज्यादा आसन पे आते हैं एक बार अंगूठे आराम से पकड़ के देख लो, अंगूठों को कस के पकड़ो और मुंह का श्वास बाहर, पेट अंदर। अच्छा पैर पकड़ के देखो, रुको यहीं पर, घुटने बिल्कुल सीधे, खींचो पैरों को प्योर, अच्छा ये तो आपने सीधे पैर पकड़ रखे हैं, क्रॉस करके पकड़ियो, क्रॉस करके नहीं पकड़े जा रहे, पांव को थोड़े नजदीक कर लो, पकड़ के देखो, पकड़ 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 पकड़, रुक रुक अपने हाथ पैर ही नहीं मिलते। चलो अच्छा पहले हथेलियों को ऐसे खड़ी करो, दीवार को धक्का दो, धक्का जोर लगाओ लगाओ, और अब पैर को पकड़ा, एक हाथ ऊपर एक हाथ ऊपर एक पांव पे, ऊपर देखो जो हाथ ऊपर गया पीछे उसको देखो, गर्दन भी मोड़ो, गर्दन की भी एक्सरसाइज, पेट की भी एक्सरसाइज, श्वास छोटे 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 श्वास लेते हो, शाबाश बहुत अच्छी, चलते रहो, पूरा हाथ पीछे धक्का मारो, पीछे धक्का मारो हाथ को, पांव को भी छूना है, वेश थोड़ा सा मालिश कर लो, कंधे से लेकर के कोने तक या हमारी कलाई, थोड़ी टांग की मालिश कर, टांग को मोड़ के मालिश कर, टांग की पैरों तक पैरों दोबारा फिर पैर खोल, फिर आप खींचो खींचो, अब एक हाथ पीछे रहेगा ऐसे लगाओ माथा घुटने पर, श्वास छोड़ दो, श्वास छोड़ के आगे माथा घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे,
एक हाथ पैर पर श्वास चलते रहे, पेट दबे, चलते रहे, चल रहे, सत्तर वर्ष का ये व्यक्ति तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे से आगे चलेगा, पीछे तो जाओ रेल के डिब्बो, विश थोड़ा सा पीछे डिब्बो और लंबे श्वास करते लोग उठा भी, बायां पैर सीधा, दाएं पैर को पट के साथ लगाइए, घुटने को पकड़ के श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जानो सीधा सर, लगाओ माथा, पैर को खींचो अपनी तरफ, कोहनी जमीन की ओर, श्वास भरा, श्वास को छोड़ते जाओ, थोड़ा सा लिया, लगा, एक बार और, खींचो 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 खींचो, वाह, अब दूसरा पैर जानू से, श्वास बाहर पेट अंदर, एक पांव मुड़ा हुआ, घुटना मुड़ा हुआ, ऊपर श्वास भरते हुए हाथ उठाए, पैर को अपने ओर खींचे, श्वास बाहर पेट अंदर, चार, दोनों पैर सीधे, हाथ ऊपर, अब तो उठे पड़ के पूरा खींच दो, ये पैर पकड़ो, कोहनी जमीन पे, माथा घुटना पर, नहीं लगता ना लगे कोशिश तो करो, करो कोशिश, खींचे, विश्राम, एक पैर में जुट्टी डालो, ऊपर उठाओ, खींचो बाहर पूरा पंजे को बाहर खींचो, कभी पंजा अपनी और कभी आगे खींचो, फिर दूसरा, धीरे से दोनों में नीचे स्पोर्ट देके खींचो, 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 हाथ छोड़ दो, पांव नहीं गिरेंगे नीचे, वाह, आइए जरा बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन, मक्खन आएगा कहां से, पहले दूध दही, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह
पीछे से एडियल खोल के एक बार दोनों हाथों को उठा के देखो सीधे बैठो बैठो हाथों को उठा के रखो ऊपर उठा के रखो हाथों को थोड़ी सी पटों की मालिश करो दोनों घुटनों को चौड़े कर लो पीछे एडी पे बैठे दोनों घुटनों में फासला दूर दूर और दोनों हाथ कंधों में रखो दाया हाथ बाएं कंधे पर बाया हाथ बाएं कंधे पर ऊपर उठाओ दोनों उत्तान मंडूकासन उठाओ कोहनियों को ऊपर उठाओ 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 और उठाओ उठाओ धीरे धीरे वापिस दोनों हाथों को आगे ले जाओ सस्कासन थोड़ी लगाओ जमीन में कोड़ी थोड़ी नजर सामने रुको रुको
रुको रुको और धीरे धीरे वापस फिर हाथ कंधे पे ले जाओ मंडू का सा उतना उठाओ दोनों हाथ बीच में हथेली लेते हो आगे सर और वज्रासन में आ जाइए और थोड़ा सा अर्ध चंद्रासन करेंगे। अब चाहो तो आप उसमें दोनों जफ्फी डालो जैसे और यूं सांस को भर के पीछे एक तो ये प्रकार है रुको 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 वापिस दूसरे हथेली खुले पे लगाओ फिर झुको रुको रुको वापिस दोनों हाथ बराबर में लगा के तीसरी प्रकार झुको रुको रुको दोनों हाथ नीचे एक हाथ घुमाया ऐसे हथेली को भी हथेली से एड़ी एक हाथ ऐसे घुमाया एड़ी दूसरा हाथ ऐसे घुमाया और मुष्टासन जुगन को जुगन थोड़ा सा कैप पोज कर लो और सिर की नहार भी शासन करते हुए और बस दोनों आसन इकट्ठे शस्क भी और भुजंग भी पहले शस्क आसन शशांक भी बोलते थे और फिर हाथ आगे करके लगाओ जगाए जमीन पे और जो नौजवान है वो ऊपर उठ के पर्वतासन में उठ के दंडासन रेल का इंजन और डिब्बे पीछे पीछे विश्राम एक बार एक टांग पीछे उठाए दूसरा हाथ खींचो इसको हाथ आगे पांव पीछे खींचो खींचो फिर दूसरा डायगनल बायां हाथ पीछे दायां पैर खींचो
और फिर एक टांग को मोड़ के लेटो, उसने हाथ पैर ऊपर ही रहेंगे, लेटो घुटने को मोड़ लो, लीवर ठीक हो रहा है, लीवर पे जोर पड़ेगा, लेटो गर्दन आगे रखो, पांव पीछे हाथ आगे जमीन पर नहीं। दूसरी तरफ से खींचो खींचो खींचो, लेटो उठना मोड़ के, एक बार फिर दोबारा शशांक आसन, दोनों घुटने मोड़ के, एक बार पर्वत आसन में उतरे, एड़े पीछे लगाए, कभी पीछे धक्का मारो, कभी आगे, और लेट जाओ अपने आसन में, पेट के बल विश्राम, शवासन, बालासन, बालासन, बालासन में लेट जाइए। एक करवट पहले लेटेंगे, बाई नासिका ऊपर है, बाया हाथ मुड़ा हुआ, बाया पैर मुड़ा हुआ, घुटना मुड़ा हुआ, दाया हाथ दाया पैर सीधा, दाया कान जमीन पर, श्वास चलता रहे, और करवट लेंगे तो रिवर्स स्थिति। अब हमारा दाया कान ऊपर, बाया कान नीचे, बाया हाथ पैर सीधे, दाई टांग मुड़ी हुई, दाई नासिका ऊपर, थोड़ी जमीन पर, अब पेट के बल दोनों हाथ पटों के नीचे, थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ पटों के नीचे, और धीरे धीरे झूला देंगे, पीछे से पैर उठाए सलभासन, आगे से भुजंग, दोनों इकट्ठे 10 बार, पैरों को पीछे ऊपर मारो, विश्राम, लंबे गहरे सांस, लेटे लेटे अनुलोम विलोम करो, दोनों हाथों को कमर पे बांधो, रोलिंग, रोलिंग पेट के बल, पैर भी उठा लो, छाती भी उठा लो, पेट के बल, हाथों को पीछे हिप्स में खींच के रखो, धीरे धीरे टखने पकड़ लो, और टखने पकड़ के रोली,
शाबाश बहुत अच्छे खा पी के माल पेट का जंजाल करे वेश्रा पैर खुले पैरों का डांस करवाइए अंदर बाहर पैरों का डांस एक साइड करवट लेके विश्वासन में टांग की मालिश सरल पट की घुटना मोड़ो पट रगड़ो पिंडली रगड़ो करो साल और पैर को एक दूसरे से कटवाओ ऊपर नीचे एक बार ऊपर भाई पूरी पैर पे जान की चोट लगे और फिर घुमा दो आगे पीछे ऊपर वाले टांग को करवट लेके दूसरी टांग के साथ विष्णु आसन में जहां तार पे इतने पैसे लगा दिए वहां 100 रुपए का माल ब्लॉक मिल रहा 100 का 200 का जितने आता है किसी घर में स्पेयर था कई बार सेल डालना होता है दीवार पे जो घड़ी होती है ताकि समय पता चलता रहे क्या हुआ विश्राम आइए कमर के बल शवासन में श्वास को अनुलोम विलोम करें लेट के अनुलोम विलोम और केवल 2 मिनट के लिए साइकिल चलाएंगे साइकिल की मुद्रा में आओ साइकिल उल्टा सीधा अपनी मर्जी से केवल 2 मिनट के लिए साइकिलें नारे साहब उत्ते फिर हो गए साइकिलें मेरे सामने बहुत बहुत आ रहा है ऊपर हो ऊपर हो विश्राम शवासन में दोनों पैरों पर डांस कराए हाथों का डमरू हाथों का डमरू पैरों का डांस ताड़ासन करें ताड़ासन खींचो और नौकासन छोटी नौका
एक बार फिर प्राणासन करें। फिर छोटी नाव विश्राम। गहरे लंबे श्वास। प्रभु परमेश्वर से उनकी कृपा मांगते हुए, शक्ति मांगते हुए, आशीर्वचन एक बार प्रभु की ध्वनि बोलने के श्वास भरिए। ओ फिर श्वास भरे। दो तीन गहरे श्वास लें, सिर से लेकर के पांव तक ध्यान लगाएं, शरीर में कहां क्या हो रहा है। पूरे शरीर का अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स। बॉडी को पूरा ढीला छोड़ करके पहले गर्दन के पोर्शन को देखें, सिर से लेकर कंधों तक, आंख नाक कान गाले हर अंग को निहारे। दिमाग में क्या हो रहा है, मस्तक में क्या है, कानों में, गर्दन की बैक साइड में, भवे आंखें, नासिका, होंठ, थोड़ी गाले, पूरे शरीर को महसूस करें। कंधों से लेकर के बाजू दोनों साइड में डोले, टोनी, कलाई, हथेली, अंगलियां, दोनों हाथों पर महसूस करें। कंधों से लेकर के फ्रंट पोर्शन और कवर का बैक पोर्शन लहर से चलती हुई आए। नाभि से लेकर के अपने घुटनों तक, घुटनों से लेकर के पिंडली, टखने, पैर, उंगलियों तक, और जैसे कई बार खड़े होकर के बाल्टी का बचा हुआ पानी सिर पे डालते हैं और पानी के डोरे कमर से, पेट से, बाजू से, कानों से होते हुए पटों से, किडनी से पैरों तक जाते हैं, उस पानी को महसूस करें कैसा लगता है। वो जल जो सिर पे डाल करके आइए, दाई और करवट ले, तकिया बनाए, सोने का कोई मतलब नहीं, और अपने स्थान पे बैठ रहे। कपाल भाति करनी है भाई मेरे, आंखें बंद रखें और एक बार ओम की ध्वनि बहुत प्यार से श्वास भर के ओ, 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 ओ,
और सभी बोलेंगे हम 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 मध्यपाल भाती भजन के साथ पहचान नहीं पाया। जिनको जल्दी है वो क्लास छोड़ के बीच में जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय है वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक हम भारत माता की जय ना बोल दें कोई नहीं जाएगा। पूरी आवाज कर दिएगा, चलो छोटा भजन ये भजन जरा ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति का लीवर ठीक रहता है उसको भूख अच्छी लगती है, उसके भोजन के रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। हम कपालभाती कर रहे हैं, करते रहे। लीवर, पैनक्रियास, किडनी, आते, जिगर, तिल्ली, गुर्दे, फेफड़े, यहां तक कि हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत लाभदायक है। जगा दो फिर सो न पाऊं, प्रेमी बनाऊं, हे को निष्काम प्रेमी बनाऊं, चाहूं और पाऊं।
संसार का कोई भय ना रह जाए। ऐसा जगा दो फिर सोना पाऊंगा। कपाल भांति कर रहे हो, योग विद्या में जाग जाओ और अपने जीवन को संवार लो। अरे अपने लिए तो जियो, इतने स्वार्थी तो बनो, अपने लिए तो कुछ करो। ये नर्तन साधन है, मनुष्य का जो मन है अगर ये स्वस्थ है और इंसान की सोच सही है तो ध्वंसागर को पार पा सकता है। मनुष्य का तन ही अगर ठीक नहीं, अरे पानी का गिलास तक नहीं पी सकता वो। दरिद्र हर लो, दानी बना दो, देखो गरीबी को दूर करो बबू। एक होती है आर्थिक दरिद्रता, जिनकी बात में आर्थिक दरिद्रता होती है वो वैचारिक दरिद्रता आर्थिक दरिद्रता से ज्यादा बुरी है। जिसके विचार गंदे हैं वो कभी सुखी रह नहीं सकता। इससे भी बड़ी दरिद्रता वैचारिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, श्रद्धा की दरिद्रता, प्रेम की दरिद्रता, प्रेम करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सभी का निर्दोष हमारे गुरुदेव बार बार इसी वाक्य का हमने मानो कितने ही ठोकरे खाई, कितने ही अधर्म, कितने ही नीच कर्म हमने किए, कोई बात नहीं, भगवान फिर भी हमारा उद्धार कर। आओ जाओ हे दाता, हमें नीच बना दो, दरिद्र हर लो, दानी बना दो, आनंद में भी ज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रतिज्ञा आशा लगाए, आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रतिज्ञा आशा लगाए, नाम जीवन निरर्थक जाने न पाए, जब मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, जब मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा समय फिर आए न आए, संसार का कुछ न जाए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, कुछ बन न पाया मेरे बराए, जीवन निरर्थक
जाने न पाए। बाह्य प्रणाम करेंगे, बाह्य प्रणाम। एक बार और, और तीन बार करेंगे अपनी सागरिया। एक दो बार बड़ा ऊंचा ही करेंगे। इस समय का अनुलोम विलोम, और जब शुरू में किया था अनुलोम विलोम उसमें अंतर स्पष्ट करें। प्रारंभ में दोनों नासिकाएं एकदम पवित्र, धीमी गति का श्वास, धीमी गति का श्वास अंदर और धीमी गति से बाहर। पांच से पंद्रह मिनट का अनुलोम विलोम शाम को कर सकते हो, समय निकालने का प्रयास करें, निकल जाएगा। बस केवल याद रखना, सोते समय नाड़ी शोधन कर लिया करें, ये पांच बार बराबरी करेंगे। Mm-hmm.
और एक डेढ़ मिनट के लिए शांत हो जाए सकते, अपने शरीर का अवलोकन करें, और दोनों हाथों को उठाते हुए ईश्वर को प्रभु को धन्यवाद दें और एक संकल्प करें, हम सदा स्वस्थ रहेंगे और नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे। हाथों को गर्म कीजिए, और हाथ अपने आंखों पर लगाएं, गर्म गर्म आंखों पर सेंके, हाथों से थोड़ी चेहरे की मालिश करें, नीचे से ऊपर थोड़ी चेहरे के ऊपर जाएं, माथे को सहलाएं, कनपटी को रगड़ें, कानों को भी रगड़ें, सिर पे भी हाथ फेरें थोड़ा और गर्दन को सहलाएं और गले को सहलाते हुए आज अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम जय श्री राम स्थान पे खड़े होकर करेंगे आज श्री जय श्री राम। बैठो थोड़ी देर, दो तीन बार अनुलोम विलोम कर लें बस, और नासिकाओं की कंडीशन जांच लें जहां से शुरू किया था।
और आइए सभी शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि भाइयों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत, वंदे भारत, जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम। आओ बैठ जाओ और सब जरा एक दूसरे की आवाज सुनो। माइक वाइक खोल लो भाई। लोग मान जी जरा बता दो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आनंद कर दिए, तालियां बहुत अच्छे। लेकिन एक बात है, आपके पीछे आपका तो एक साथी रह गया मेरे ख्याल, शायद गोस्वामी जी। गोस्वामी जी भी हाँ गए, हो गया समय, हो गया ज्यादा, हो गया 7:45 हो गए। लेकिन भाई ऐसा है, आज सैटरडे की वजह से हमने थोड़ा सोचा ज्यादा ले। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। ओम ओम बढ़िया। आपके पीछे हमारे लिए आपका जी, मैंने कहा कोई खास मैसेज हो ना, कोई संदेश नहीं आज। मिलते हैं दिन में, मिलते हैं फिर हैं। ठीक है गुरु जी। ओम भाई जी, ओम ओम, ओम सबको नमस्ते। ओम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।